नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप अपना मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं और फॉर्मेट कर देने के बाद आपको अपने प्ले स्टोर की अकाउंट क्रिएट करना होता है, अपने प्ले स्टोर में ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करना होता है, यदि आप अपने प्ले स्टोर की लॉग इन आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि हमारे प्ले स्टोर की लॉग इन आईडी और पासवर्ड क्या था, यही इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों अपने प्ले स्टोर की लॉगिन आईडी और पासवर्ड जानने के लिए ओपन करते हैं अपने प्ले स्टोर को। प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन का, यहां पे लिखा हुआ है साइन इन, तो आपको क्लिक करना होगा यहां पे। अब साइन इन पे क्लिक कर देने के बाद यहां पे आपको कुछ ऑप्शन मिलता है, ईमेल और फोन नंबर, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉरगेट ईमेल। तो अगर आप अपना ईमेल आईडी भूल गए हैं, आप अपना लॉगिन आईडी भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फॉरगेट ईमेल पे। फॉरगेट ईमेल पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, क्योंकि आप ईमेल आईडी क्रिएट करते समय आप मोबाइल नंबर अवश्य डाले होंगे, आप वही मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आपको अपना नेम डालना होता है, यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालिएगा, इसके बाद यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम डालिएगा। दोस्तों आप ईमेल आईडी क्रिएट करते समय आप जिस नेम से ईमेल आईडी बनाए थे वही नाम आपको यहाँ पे डालना होता है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम डाला हूँ, इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम डाला हूँ, इसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, गूगल विल सेंड ए वेरिफिकेशन कोड, मोबाइल नंबर ये है और इस मोबाइल नंबर पे एक ओपीटी भेजेगा वेरिफिकेशन करने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सेंड पे, आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक ओपीटी आता है, वो ओपीटी को यहाँ पे डालना होता है। यहाँ पे मेरे फोन में ओपीटी आ चुका है और ये ऑटो यहाँ पे फिलअप हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा ऑटो वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे मेरा ये ईमेल आईडी दिखलाई दे रहा है कि मेरा ये ईमेल आईडी है, इसे ही हम अपने प्ले स्टोर में यूज करेंगे, क्योंकि अब हमारा ईमेल आईडी मिल चुका है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस ईमेल आईडी पे। अब ईमेल आईडी पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना होता है। तो दोस्तों अगर आप अपना पासवर्ड भी भूल गए हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप इसका पासवर्ड कैसे रिसेट करके एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी पासवर्ड टाइप कर देना है, कोई भी गलत गलत पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों ये पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है फॉरगेट पासवर्ड का, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फॉरगेट पासवर्ड पे। फॉरगेट पासवर्ड पे दोस्तों क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप जो पिछली बार पासवर्ड चेंज किए थे वो जो पिछला पासवर्ड अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप वो भी पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिल रहा है ट्राई अनदर वे, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा ट्राई अनदर वे। अब दोस्तों यहाँ पे ट्राई अनदर वे पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है नया पासवर्ड क्रिएट करने का, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो यहाँ पे आप अपने अनुसार से कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, कोई पासवर्ड यहाँ पे आप बना लीजिएगा। दोस्तों पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और वो पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग बनाइएगा जिसमें नंबर और अल्फाबेटिक दोनों हो। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड डाल देने के बाद आपको फिर से वही पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा, वो पासवर्ड को आप फिर से यहाँ पे टाइप कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड इंटर किया हूँ और इसके बाद फिर वही पासवर्ड यहाँ पे इंटर किया हूँ। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे सेव पासवर्ड पे, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों सेव पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा आई एग्री। आई एग्री पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन वेरीफाई होती है और इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा मोर पे। मोर पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा एक्सेप्ट, क्योंकि आपको ये कंडीशन फॉलो करना ही होगा। अब आपकी प्ले स्टोर की आईडी और पासवर्ड बन जाता है और यहाँ से आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी दिखलाई दे रहा है और यहाँ से आप प्ले स्टोर को यूज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी गेम या फिर आप जो भी एप्स डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो कि प्ले स्टोर की आईडी और पासवर्ड भूल जाने के बाद कैसे उसे दोबारा रिकवर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।